दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा, द अम्ब्रेला मैन। आपने इस कहानी को बचपन में ज़रूर पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा है आपने तो चलिए आज पढ़ लीजिए। बहुत ही सिंपल सी कहानी है, एक ही बार में समझ में आ जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस कहानी में एक नैरेटर है, और जो नैरेटर है वो एक छोटी सी लड़की है, और उसका उम्र है 12 साल। तो ये छोटी सी लड़की अपने माँ के साथ लंदन आई हुई है ताकि ये डेंटिस्ट के पास जा सके। तो यहाँ से निकल कर, यानी कि डेंटिस्ट के पास से निकल कर, ये दोनों माँ बेटी जाती है कैफ़े, और फिर कैफ़े के बाद ये दोनों अब जाएंगे घर। तो अभी बहुत ही तेज़ बारिश हो रही है और इनके पास अम्ब्रेला नहीं है। तो माँ डिसाइड करती है कि ये दोनों टैक्सी में जाएंगे। तो अब ये दोनों वेट कर रहे हैं कैब का, यानी कि टैक्सी का, ये दोनों वेट कर रहे हैं। तो इसी वक्त इन दोनों के पास एक ओल्ड जेंटलमैन, यानी कि एक बूढ़ा सा आदमी आता है और इन दोनों को कहता है कि मैं अपना पर्स भूल गया हूँ और मुझे अभी घर जाना है, और जो मेरे पाँव है ना वो बहुत ही कमज़ोर है, तो मैं अपने घर पैदल चलकर नहीं जा सकता। तो क्या प्लीज़ आप मेरा अम्ब्रेला को ख़रीदोगे? अगर आप मेरे अम्ब्रेला को ख़रीद लोगे तो मैं आसानी से घर जा सकूँगा। और ओल्ड मैन ये भी कहता है कि ये अम्ब्रेला बहुत ही अच्छा है, ये सिल्क का अम्ब्रेला है और इसका कीमत है 20 पाउंड्स। ये ओल्ड मैन अपना अम्ब्रेला इसलिए बेच रहा है ताकि ये टैक्सी हायर कर अपने घर जा सके। बच्ची की माँ को ये ओल्ड मैन बहुत ही अजीब सा लगता है, लेकिन ये फाइनली रेडी हो जाती है और ये ओल्ड मैन को कहती है कि मैं इस अम्ब्रेला के बदली आपका जो टैक्सी का पैसा है ना वो दे देती हूँ। तो ओल्ड मैन कहता है नहीं नहीं आप पैसे मुझे दे दीजिए। तो अब क्योंकि ये अम्ब्रेला 20 पाउंड का है, तो इस लेडी को ये डील अच्छा लगता है और ये इस अम्ब्रेला के बदली 1 पाउंड इस ओल्ड मैन को दे देती है। और अब ट्रांजैक्शन हो गया और ये दोनों खुश हो गए हैं। तो अब यहाँ से ओल्ड मैन जाता है और ये जो माँ है ना, ये अपनी ये बच्ची को बताती है कि हमें कैसे पीपल को जज करना चाहिए। तो ये सब माँ अपने बच्चे से कह रही है। तो इतने में ही ये जो बच्ची है ना, ये देखती है कि वो ओल्ड मैन जो है वो दौड़ कर जा रहा है, यानी कि इस बारिश में ये दौड़ कर जा रहा है। तो ये बच्ची अपने माँ को बताती है और अब ये दोनों माँ बेटी भी इस ओल्ड मैन के पीछे पीछे दौड़ के जाते हैं देखने के लिए। और अब ये दोनों माँ बेटी इस ओल्ड मैन को फॉलो करते करते एक पब में पहुंच गए हैं, यानी कि ये दोनों पब के बाहर है और उस पब का नाम है द रेड लायन। और ये ओल्ड मैन इस पब के अंदर बैठा हुआ है और ये ओल्ड मैन इस पब के अंदर अब ट्रिपल विस्की ऑर्डर करता है और ये पीता है, और जो पैसे इसने लेडी से लिए थे वो पैसे ये यहाँ पर पे कर देता है। और ये सब चीज़ें ये माँ बेटी विंडो से देख रही है। और अब ये ओल्ड मैन अपना ड्रिंक ख़त्म करता है और बाहर से ये माँ बेटी ये सब देख रही है। तो अपना ड्रिंक ख़त्म करने के बाद ये ओल्ड मैन जाता है कोट रैक के पास, और इस कोट रैक के पास आकर ये अपना कोट और अपना टोपी, यानी कि अपना हैट लेता है, और ये यहाँ से एक गीला छाता भी ले लेता है। और अब ये यहाँ से, यानी कि इस पब से निकल जाता है। और पब से निकलने के बाद ये ओल्ड मैन किसी और पर्सन को ये गीला छाता बेचता है, और छाता बेचने के बाद ये निकल जाता है किसी और पब में जाने के लिए। और ये सभी चीज़ें ये माँ बेटी देख रही है। तो अब बेटी अपने माँ से कहती है कि ज़रूर ये ओल्ड मैन ये सभी चीज़ें रोज़ करता होगा। और ये सुनने के बाद माँ कहती है हाँ तुमने ठीक कहा, ये सब ये रोज़ करता होगा और ये पागलों की तरह प्रे करता होगा, यानी कि ये पागलों की तरह गॉड से रेनी डेज के लिए प्रे करता होगा ताकि ये सब एक्टिविटी रोज़ कर सके। तो दोस्तों, यहीं पर ये कहानी ख़त्म होती है।